उससे पहले आपको डर था या नहीं था? हाँ, थोड़ा बहुत कि कुछ हो जाएगा कैंसर वगैरह से करके। ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों मैं नहा करके आ चुका हूँ और ये मेरा लाल शर्ट और बैकग्राउंड भी लाल, पूरा लाल लाल है यहाँ पास। यार दोस्तों मैं सच बताऊं, आज आया था यार 3 टायर में, हालांकि एसी वाला डिब्बा था, लेकिन इतना ज्यादा घटिया लग रहा था ना यार, सोए हो समझ रहे हो ना, सोने के बाद साला ऐसे बैठ भी नहीं सकते यार, खाना वाना खाते भी नहीं भर रहा था उसमें। अब सोचो पैसा कम लगेगा करके चक्कर में हम लोग ने 3 टायर बुक कर दिया था और उसी के चक्कर में फिर भुकत्ते भुकत्ते यहाँ तक पहुंच रहे हैं। एक बार वैसे ही क्या हुआ था, जब यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद स्लीपर डब्बा में बुक कर दिया था। अब बुक करने के बाद दोस्तों उसमें और भी ज्यादा कचड़ा, बदबू जिसको बोलते हैं, इतना ज्यादा बदबू था उसमें। आज का यार बोला जाए तो सफर मेरा उतना अच्छा खास नहीं रहा आने का, अब जाने का तो हो सकता है बेटर रहेगा मेरा, क्योंकि वो 2 टायर रहेगा बुक करूंगा तो, और ये जो अभी आया हूँ ना वो है 3 टायर, तो 3 टायर में ठीक ठाक था, लेकिन यार बस वही बात बता रहा ना कि आराम से बस सोए रहो, सोए सोए ही आओ, ये मेरे को वहां पर बकवास लग रहा था यार, बैठ नहीं पा रहे थे। चलो ठीक है दोस्तों, जो भी था हम लोग देखे भी होंगे इस वीडियो में, मैं खाना पीना जो भी चीज़ था कुछ भी नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि हम लोग कैसे खा रहे थे, आप वीडियो भी बनाते नहीं बना था मैं बताऊं क्या आप लोगों को, वरना हम लोगों के लिए जितना हो सके हमको ज़्यादातर हो सके 2 टायर करो या फिर फर्स्ट क्लास करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, सिर्फ इस मामले में, वीडियो बनाने के मामले में, और ऐसे में वीडियो बनाते बनता ही नहीं ना, क्या बनाओगे ऐसा लगता है। तो चलो यार दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट करूंगा यार डॉक्टर से कि लाइव सर्जरी दिखाने का मेरे को मौका दे दे, बट लग तो नहीं रहा कि मेरे खुद दे देंगे, क्योंकि सर्जरी रूम में किसी को जाने नहीं देते यार, क्योंकि वहां पास ऐसा छोटे छोटे सामान रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान रहता है, हल्का सीधर से उधर हो गया समझ रहे हो ना, बेचारा का जान भी चला जाएगा, इस वजह से ना कहीं घुसने भी नहीं देते सर्जरी रूम में, सिर्फ बाहर से ही देखो, बाहर से ही जो भी करना है करो बोलते हैं। अब देखो अगर जाने देते तो सावधानी पूर्वक जाऊंगा और वीडियो वगैरह बनाऊंगा और जो भी चीज़ रहेगा आप लोगों को दिखाऊंगा, और उससे पूछूंगा पेशेंट से कि आपको दर्द क्या हो रहा है कैसा है, जो भी चीज़ रहेगा देखना आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, फिर कहना दोस्तों कि हाँ आप सही बोल रहे थे करके, और नहीं जाने दिया तो फिर क्या दिखाऊंगा यार। चलो जो भी चीज़ है वहीं पर आप लोगों को जाने के बाद समझ में आएगा, यहाँ से बोलने से कुछ नहीं होता। चलो यार दोस्तों सिर्फ 30 मिनट के लिए यहाँ आए थे और अपना नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं और यहाँ से जा रहे हैं, 500 रुपया लग गया, मतलब चूना लग गया मान के चलो। और यहाँ से चलो बंद नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने क्लिनिक की तरफ, और क्लिनिक में जाकर दिखाता हूँ आपको क्या क्या होता है कैसा होता है सब चीज़। और ये रहा दोस्तों बरकटवाला यूनिवर्सिटी, जहाँ से अंदर जाते हैं विश्वविद्यालय, और यहीं पर आप लोग यदि आ गए तो समझ लो क्लिनिक आ गए, और यहाँ आने के बाद फिर क्लिनिक वालों को कॉल कर लेना, फिर वो लोग अपना लोकेशन भेज देंगे आपको, हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों जब भी PRP कराने के लिए जा रहे हैं तो PRP कराने से पहले एक बार खाना वगैरह अच्छे से खा लें, और खाना वगैरह खाने के बाद ही दोस्तों PRP के लिए जाना। यहाँ पर मेरे देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरा ब्लड का सैंपल निकाला जाएगा, जो कि एक किसी ट्यूब वगैरह में डालते हैं और ट्यूब वगैरह में रखते हैं, उसके बाद फिर वहाँ उसी से प्लाज्मा को अलग करके फिर इंजेक्ट किया जाता है अपने हेड के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर नस में जो सिरिंज रहता है उसको इंजेक्ट करने से पहले वहाँ पर अच्छे से साफ किया जाता है, और ये सुई इतना ज़्यादा मोटा रहता है दोस्तों कि एक बार यहाँ पर जो इंजेक्ट कर देते हैं तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और दर्द होने के बाद ना गाइस वहाँ पर एक ट्यूब जैसा रहता है, ट्यूब में उसको फिर भरा जाता है, जब तक एक ट्यूब नहीं हो जाता तब तक आपका ब्लड निकालेंगे, और ये कितना ग्राम रहता है इसके बारे में डिटेल में पता नहीं, बट एक ट्यूब रहता है छोटा सा, उस ट्यूब में पहले उसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद उसमें से प्लाज्मा को अलग करेंगे, और अलग करने के बाद दोस्तों फिर उसको इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो भी ब्लड है उसको निकाला जा रहा है अभी, तो ये मेरा ब्लड जो है निकल चुका है, देखो दोस्तों इतना आसानी से निकल गया। तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा खून वगैरह निकाला जाता है, मतलब ब्लड निकाला जाता है, तो देख सकते हो भाई के हाथ में जो ट्यूब है सिर्फ उस छोटे से ट्यूब में उतना ही ब्लड निकाला जाता है आपका जो प्लाज्मा है उसको अलग करने के लिए, तो आप लोग सामने देख सकते हैं, वरना बाद में आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि भाई बहुत ज़्यादा खून निकाला जाता है ऐसा करके, तो जो भाई के हाथ में ट्यूब है उसी को मेरा ब्लड सैंपल निकाला गया है। फाइनली दोस्तों मेरे PRP के लिए जो ब्लड सैंपल लिया था वो सब चीज़ हो चुका है, PRP के लिए अंदर जा रहा हूँ, और जो भी PRP होता है कैसा अनुभव रहता है आप लोगों के साथ फिर शेयर करता हूँ। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे पहले इसको। ठीक है सर। इस
इसमें पूरा कवर होगा ना यहाँ नीचे तक? हाँ नीचे तक, यहाँ क्राउन तक, क्राउन तक। खराब है, डर लगता सर। हालांकि डरने वाला बात नहीं, लेकिन लगता है। बीच बीच में झड़ के उसमें हो गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा था कि लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा, तो सर ने परमिशन दे दिया है और चलो आप लोगों को दिखाता हूं। और पेशेंट से भी बात, पेशेंट का सर्जरी चल रहा है। और कहां से है प्रॉपर? भोपाल से। और ऐसा तो नहीं है कि बेहोश वगैरह करते हैं कुछ? नहीं। तो जो भी कुछ है दोस्तों, देखो जैसे मैं बताया था सेम वैसे कि वैसा हो रहा है। और इसका अभी पीछे से ग्राफ निकाला गया है और निकालने का काम ही चल रहा है। और आप लोग बोलते हैं कि डॉक्टर करेंगे कौन करते हैं, तो अंकित सर जी देख ले सकते हैं कि जो भी ग्राफ निकालने का काम कर रहे हैं, अभी हेयर लाइन वगैरह भी सर ही बनाएंगे। उसके बाद जो भी ग्राफ डालने का काम रहता है वो सब टेक्नीशियन वर्क कराता है, और हेयर लाइन जो भी प्रॉपर काम करने का रहता है वो सब डॉक्टर ही करते हैं। इससे जस्ट पहले दोस्तों भाई का ग्राफ को निकाला जा रहा था। अब ग्राफ को निकालने के बाद दोस्तों इसका देख सकते हैं, भाई का हेयर लाइन बनाया जा रहा है। हेयर लाइन बनाने के लिए इसके जगह जगह पर होल कर रहे हैं, मतलब छोटा छोटा। ये सफायर ब्लेड से ही है जो कि कर रहे हैं, छोटे छोटे होल कर रहे हैं इससे, हर बिल्कुल बारीकी से काम कर रहे हैं जिससे कि एकदम बिल्कुल ज़्यादा नेचुरल लगे करके। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगा, बिल्कुल छोटा छोटा होल कर रहे हैं यहाँ पर। प्रॉपर कहाँ से है बस इतना बता दो थोड़ा सा। भोपाल कोलार से। भोपाल कोलार। और ये हेयर ट्रांसप्लांट जस्ट अभी ग्राफ निकला आपका, अभी कैसा एक्सपीरियंस है? दर्द वगैरह कुछ नहीं? भाई को मैं जानता नहीं हूँ, और यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आए हुए हैं। और मेरा PRP आज तो इससे इसका भी सर्जरी हो रहा था, आप लोगों को दिखाया भी हूँ। तो सोचा चलो इससे उसके बाद क्या होता है रिव्यू ले लूँ करके आप लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। और कुछ ऐसा दर्द वगैरह कुछ डर नहीं? कुछ डर नहीं। उससे पहले आपको डर था या नहीं था? था थोड़ा बहुत। नहीं, किस तरह का डर था? तरह का यही नॉर्मल डर था क्या कि कुछ हो जाएगा कैंसर वगैरह से करके, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब कुछ कर ना दे ऐसा टाइप? हाँ, कुछ चक्कर वगैरह ना आए। उससे पहले तो आपका रिपोर्ट वगैरह आपसे मांगे होंगे? हाँ, ब्लड टेस्ट। क्योंकि ब्लड टेस्ट मांगते हैं उसके बाद गाइस आपको बुलाते हैं क्लिनिक की, आपका वो सब चीज नॉर्मल है तभी आना बोलते हैं। हाँ। अगर नॉर्मल नहीं है तो नहीं आना बोलते हैं। हाँ। यही हुआ ना? और खाना वाना के लिए दिए ना सर लोग यहीं से क्लिनिक से? यहीं से। ये मेरे को भी दिए थे, यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ मेरे हेयर लाइन का। मेरा चैनल है क्या है रेक्रम ब्लॉग करके, आज एक पेशेंट आने वाला था इसी डेट को मेरा, लेकिन वो भाई डर रहा था तो कैंसिल कर दिया, तो उसके जगह आपको मिला है। चलो भाई, आपका जो भी हेयर लाइन बनाएंगे उसको भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। अभी तो जो भी अभी ठीक ठाक हो ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। इतना समय देने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा छोटा होल करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं भाई का ग्राफ को, जितना भी छोटा छोटा वहां पर छेद किए थे ना, उस सभी जगह पर भाई का ग्राफ को लगाया जा रहा है, मतलब उसका हेयर लाइन बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले भाई का हेयर लाइन लगाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। हेयर लाइन लगाने के लिए दोस्तों पहले तो आप लोग सिंगल ग्राफ का यूज़ करते हैं, उसके बाद डबल वाले का, उसके बाद फिर जो भी रहता है उसको यूज़ करते हैं। तो सामने देख सकते हैं, इसको पहले हेयर लाइन बनाएंगे, उसके बाद फिर पीछे की तरफ धीरे धीरे आएंगे ग्राफिंग करते हुए। पहले सामने की तरफ करते, उसके बाद फिर पीछे की तरफ धीरे 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 लगाते लगाते पीछे की तरफ आते हैं। तो अभी भाई का ग्राफ लगाने का काम जारी है। आप लोगों को बताना था कि PRP लेने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो PRP लेने जाओगे दोस्तों, आप लोग डरोगे कि भाई वहाँ दर्द वगैरह होगा ऐसे करके। तो वो पता नहीं क्या वाइब्रेट टाइप का कुछ मशीन था जो कि ढन ऐसा कुछ कर रहा था ना,
तो वो वहां पर इंजेक्ट करते जा रहा था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर सुई की लगाया या नहीं लगाया करके। तो यहाँ पास मेरे को पीआरपी के मामले में बोला जाना तो थोड़ा सा भी पेन मेरे को महसूस नहीं हुआ है। वो पीआरपी पूरा जगह हो गया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर सुई लगा रहा है, यहाँ पर कुछ कर रहा है, ऐसा मेरे को पता ही नहीं चल रहा था। थोड़ा बहुत तो पता चलेगा, ऐसा नहीं कि पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उतना ज्यादा आप लोग बोलोगे कि दर्द वगैरह होता होगा ऐसा करके, तो पीआरपी के मामले में मेरे को दर्द बिल्कुल भी नहीं लगा है। और यार दोस्तों वहां पर बात ये हुआ कि हम लोगों का ट्रेन था 6 बजे, लेकिन आया साला सुबह 6 बजे, समझ रहे हो ना बात, शाम को 6 बजे था और 6 बजे से हम लोग वहां पर बैठना था, ये कमलापति रेलवे स्टेशन से हम लोगों को रायपुर आना था, लेकिन वो ट्रेन आया सुबह 6 बजे और उसी के चक्कर में हम लोग जल्दीबाजी में वहां चले गए। और भाई का जो और वीडियो बनाने वाला था, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बाद में जब इसका पूरा ग्राफिंग लग जाएगा तो दिखाऊंगा ऐसे करके, तो वो सब चीज शूट करने का मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों का ट्रेन मिस ना हो जाए करके भाई जल्दीबाजी में वहां से हम लोग भागे थे अपना क्लिनिक से, तो उसका वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी मांगता हूँ। और क्या बोलूं भाई, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना।